हाँ जी, तो अभी तक जो फॉर्मूला देखे थे हमने, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई दैट इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई ओवर वन माइनस एक्स वाई, ये तब लगाना है जब एक्स एंड वाई को हम पॉजिटिव बना चुके हैं, एंड ये कब आता है जब एक्स वाई इज लेस देन वन, एंड पाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई ओवर वन माइनस एक्स वाई व्हेन एक्स वाई इज ग्रेटर देन वन, ठीक है ये चीज। कौन है ये, किसी की डिस्टरबेंस आ रही थी? सॉरी सर, वो पता नहीं चला मैं कौन था। ओके ओके ओके, ठीक है, तो ये चीज आ गई। अच्छा, तो ये फॉर्मूला हमने देखा था, ठीक। अच्छा ठीक 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 ठीक, अच्छा, इसके बाद फिर हमने देखा था साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई, तो दैट इज योर साइन इनवर्स ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर एंड पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन वन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन वन, इक्वल टू वन पे पाई बाय टू वगैरह आ जाता है, ठीक वो चीज है। इक्वालिटी वैसे तुम किसी में भी डाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ वाई का सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है, दैट इज कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर, ठीक। अच्छा, tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y का एक फॉर्मूला होता है, cos sin इनवर्स ऑफ x माइनस sin इनवर्स ऑफ y का एक फॉर्मूला होता है, तो tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y दैट इज tan इनवर्स ऑफ x माइनस y ओवर 1 प्लस xy एंड sin इनवर्स ऑफ x माइनस sin इनवर्स ऑफ y दैट इज sin इनवर्स ऑफ x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर माइनस y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक। लेकिन tan इनवर्स ऑफ x के दो फॉर्मूले होते हैं, tan इनवर्स ऑफ x माइनस सॉरी cos इनवर्स के, cos इनवर्स ऑफ x माइनस cos इनवर्स ऑफ y दैट इज तुम्हारा आता है cos इनवर्स ऑफ x माइनस अंडर रूट सॉरी सॉरी xy प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर, ठीक। और ये चीज कब आती है, व्हेन y इज ग्रेटर देन x एंड माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई प्लस अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर एंड एक्स इज लेस देन वाई, ठीक। तो ये चीज हमारी फॉर्मूला चला जाता है, ठीक। इस तरीके से हमने यू नो ये सारी की सारी चीजें देखी थी, ठीक है। तो ठीक, ये सारे के सारे फॉर्मूलास थे, इनके अंदर मैंने तुम्हें क्या चीज बताई थी, ठीक। अब देखो, ये तो कॉम्पिटिटिव लेवल के हो गए, स्कूल लेवल के क्या है, स्कूल लेवल के अंदर याद रखो tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y का हमारे पास फॉर्मूला जो है वो tan इनवर्स ऑफ x प्लस y ओवर 1 माइनस एक्स वाई है, एंड इसके अंदर मैंने तुम्हें ये चीज बताई थी पॉजिटिव पॉजिटिव कॉन्सेप्ट पॉजिटिव है तो बिल्कुल सही है, पॉजिटिव पॉजिटिव कॉन्सेप्ट नेगेटिव आए तो क्या कर दो, प्लस पाई कर दो, ठीक। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव कॉन्सेप्ट नेगेटिव आ जाए तो क्या करो, प्लस पाई कर दो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए, तब जाके सही होगा। नेगेटिव नेगेटिव का आंसर नेगेटिव आ रहा है तो बिल्कुल सही है, नेगेटिव नेगेटिव का आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो माइनस पाई कर दो ही बैलेंस करने के लिए, तो जाके ठीक। इसके अलावा ठीक, सिर्फ तुम्हें tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y का ध्यान देना है, इसके अलावा स्कूल लेवल पे तुम्हें tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y दैट इज tan इनवर्स ऑफ x माइनस y ओवर 1 प्लस xy, ठीक। sin इनवर्स ऑफ x प्लस sin इनवर्स ऑफ y दैट इज sin इनवर्स ऑफ xy x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड जी चीज ठीक एंड ठीक, ये तो बाकी फॉर्मूला तुम्हें पांचों के पांचों इसी तरीके से लगाने हैं, ठीक। तो हम मेजरली टेन के फॉर्मूला के थ्रू स्कूल लेवल पे हैंडल करने की कोशिश करते हैं, कॉम्पिटेटिव लेवल पे तो तुम कुछ भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आज हमें इन्हीं के रिलेटेड यू नो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ताकि हमें
नो अच्छे से क्लियर हो कि कौन सा फॉर्मूला कब कैसे लगाना स्कूल लेवल पे और कॉम्पिटिटिव लेवल पे। पहले स्कूल लेवल की बात करेंगे सारा का सारा, ठीक। तो एक दो चीज़ें जो है पहले मैं करके दिखाता हूँ, फिर उसके बाद तुम्हारी बारी आएगी, ठीक। तो देखो जैसे हाँ जी, तो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है कि फाइंड एक्स इफ इफ टैन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वन बाय एक्स माइनस टू प्लस टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वन बाय एक्स प्लस टू इज इक्वल टू पाई बाय, ठीक। एक्स की हमें वैल्यू फाइंड करनी है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, ठीक, इसके अकॉर्डिंग। तो इस चीज़ को यू नो हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई का विदाउट कंसीडरिंग एनी यू नो एक्सेप्शन, ठीक। अगर एक्सेप्शन आएगी, ठीक, अगर एक्सेप्शन आएगी वो हम बाद में खुद ही हैंडल कर लेंगे, ठीक है। विदाउट एक्सेप्शन जब भी एक्स को चीज़ें ढूंढने, जब तक देखो एक्स की वैल्यू हमें दे नहीं रखी है कि वो किस इंटरवल में लाई करते, तब तक हम एक्सेप्शन लगा ही नहीं सकते, ठीक। तो हम अपनी तरफ से ऐसा कोई चीज यू नो अज्यूम नहीं कर सकते, तो इसलिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने की कोशिश करेंगे। अब क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड वगैरह दे रखी है, तो हमने क्या किया, इसको इधर लेके गए, ये ज्यादा सिंप्लीफाइड वर्जन होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो इसको ऐसे लिखा मैंने, ये पाई बाय 4 को लिखा टेन इनवर्स ऑफ 1 माइनस टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2, ठीक। तो ये चीज आ गई, अब ध्यान से देखो जरा ये क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2 ओवर 1 प्लस एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2, ठीक। ये चीज बन गया, ठीक है, ये टेन इनवर्स का फॉर्मूला आ गया, एक्स माइनस वाई ओवर 1 प्लस एक्स वाई। तो दैट इज नथिंग बट टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस 2 इधर चला जाएगा, तो दैट इज एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 टोटल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 इधर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2, ठीक। ये एक्स प्लस टू कटा इधर टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वन बाय एक्स माइनस टू एज इट इज, ठीक। तो क्या बन जाएगा ये टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वन बाय एक्स माइनस टू दैट इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स एक्स कटेगा टू माइनस वन इज वन वन बाय टू एक्स प्लस थ्री। अब क्योंकि टेन इनवर्स जो होता है हमारा वन वन एंड इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो इनका आपस में ये इनपुट इक्वल होने चाहिए, x minus 1 by x minus 2 that should be equal to your 1 by 2x plus 3, ठीक। ये 1 by 2x plus 3 के बराबर होना चाहिए, ठीक, इस तरीके से। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह किया, ठीक, तो ये आ जाएगा x minus 1 into 2x plus 3 that should be equal to x minus 2, तो ये बन गया तुम्हारा 2x square minus 2x plus 3x, तो that is plus x minus 3 that is equal to x minus 2, ठीक। तो ये कटा तो 2x square is equal to 1, x is equal to plus minus 1 by 2। अच्छा, अब ना ये वैल्यू निकालने के बाद मेरे को एक्चुअली में चेक करना होता है कि ये इसको सेटिस्फाई करता भी है या नहीं करता, ठीक, ये थोड़ा सा अंदाजा लगाना होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना है चीज, tan inverse of x minus 1 by x plus 1 plus tan inverse of x plus 1 by x plus I think plus 2 था, x minus 1 by x minus 2, x plus 2 that is equal to pi by 4, ठीक। तो ये चीज थी, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को थोड़ी सी ये चीज चेक करनी है कि ये सेटिस्फाई वगैरह करता है नहीं करता, ठीक है। तो 1 by root 2 पुट किया, तो ये क्या बन जाएगा, tan inverse of यहां पे 1 by root 2 आ जाएगा, तो 1 by root 2 minus 1 by 1 by root 2 minus 2 plus tan inverse of 1 by root 2 plus 1 by 1 by root 2 plus 2 equal to pi by 4, ठीक है। ये बाय द वे वैल्यू सेटिस्फाई करते हैं नहीं करते, ये रफ में तो मैं करके दिखानी है, ये फेयर में नहीं करके दिखानी स्कूल लेवल पे, ठीक है। और जो वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही रफ में, सिर्फ वही वाली वैल्यू फेयर में करके दिखानी, बाकी सब सेटिस्फाई करेंगी, ऐसा शो कर। ये रूट टू इधर, ये रूट टू इधर, हाँ जी सर। अगर वैल्यू इसके अंदर ऐसी आ रही हो जो हमें नहीं पता हो, स्टैंडर्ड वैल्यू इसमें ना हो, नहीं सुन सुन सुन, एक बार ये कंप्लीट होने दे फिर मैं बताता हूँ जी, ठीक है। एक तो ये चीज आ गई, ठीक। अच्छा, अब ध्यान से देखना, जब मैं माइनस वन बाय रूट टू पुट करूंगा ना,
तो माइनस वन बाई रूट टू पुट करके पता क्या हो जाएगा, ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि ये वापस सेम स्टेटमेंट बन जाएगी। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि अगर मेरा प्लस वन बाई रूट टू सेटिस्फाई करेगा तो माइनस भी करेगा। ठीक, क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है। ठीक, तो अब एक्चुअली में तुम इसको रफ में सोल्व करके देख सकते हो, ये वन आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, टेन इनवर्स ऑफ, देखो भाई चिराग, तुम्हारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो ये चीज है कि ऐसा कभी होगा नहीं कि इन दोनों की वैल्यू हमें पता ना चले कि वो उन दोनों का सम जो है वो टेन इनवर्स वन नहीं जा रहा। देख, इन दोनों के ऊपर इसको एक्स ले ले, इसको वाई ले ले, तो ये तो हम फॉर्मुला एट एनी टाइम लगा सकते हैं ना, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई का, राइट? तो उसको हम टेन इनवर्स ऑफ वन के बराबर तो हम हमेशा एनी टाइम कर ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, राइट? तो ऐसा कोई ऐसी वैल्यू कभी आएगी नहीं जिसका हमें कुछ पता न चले। और अगर ऐसी कोई वैल्यू स्कूल लेवल पे नहीं आएगी, कॉम्पिटिटर लेवल पे, फिर उसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लेंगे, यू नो, रेंज लेके चल सकते हैं। ठीक है, हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तुम्हारा प्लस वन एंड माइनस वन दोनों के, प्लस वन बाय रूट टू माइनस वन बाय रूट टू दोनों के दोनों सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, अच्छा, मैं डायरेक्टली भी इसके अंदर फॉर्मुला लगा सकता था, उससे भी सेम आंसर आता, लेकिन इन दोनों के ऊपर जब मैं फॉर्मुला लगाऊंगा एक्स एंड वाई कंसिडर करते हुए, ठीक, तो वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स चला जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया, इसको इधर लेके गया एंड पाई बाय फोर को टेन इनवर्स वन लिखा, फिर जाके मैंने टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस टेन इनवर्स ऑफ वाई का फॉर्मुला लगाने की कोशिश की, जिससे रिलेटिवली ये जो चीज है ये इजी हो गई। ठीक है, रिलेटिवली चीज जो है वो इजी हो गई ये चीज की, समझ आया? ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, अच्छा, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ जी, मैंने इसको दूसरे मेथड से किया है। मैं दक्ष वही चीज बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनाकर मैं बोल रहा हूँ, वो भी चीज सही है लेकिन वो थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स चला जाएगा। क्वेश्चन के अंदर क्या है, tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस tan इनवर्स ऑफ 3x इज इक्वल टू पाई बाय 4। ठीक, तो x की वैल्यू फाइंड करो। ठीक, x की वैल्यू, तो अभी हमने क्या किया, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, तो tan इनवर्स ऑफ क्या बन जाएगा, 2x प्लस 3x ओवर 1 माइनस 2x इनटू 3x दैट इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो क्या चला जाएगा, 5x ओवर 1 माइनस 6x स्क्वायर tan इनवर्स दैट इज इक्वल टू पाई बाय 4। ठीक है, ये चीज आ गई हमारी, तो ये इधर जाके क्या बन जाएगा, 5x over 1 minus 6x square, that is 10 pi by 4, that is 1, तो ये बन जाएगा हमारा 6x square plus 5x minus 1, that is equal to 0. ठीक, अब यहाँ से क्या क्या आंसर आएगा हमारा, देखो यहाँ से चला जाएगा 2x minus 1 into 2x minus 3x ओके, एक सेकंड, ये थोड़ी सी गलती है, हाँ, इसका जाएगा 6x एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। हाँ जी, इसके ये दो फैक्टराइजेशन जाएगी। ठीक है, तो अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 बाय 6 या माइनस वन। अब यहाँ पे पंगा ये पड़ेगा कि जब इसके अंदर मैं x को, यू नो, माइनस वन पुट करूंगा तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, दो नेगेटिव चीजों का आंसर पाई बाय फोर तो आ ही नहीं सकता, यानी कि इस पूरी चीज को माइनस वन जो है ये कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा। द ओनली रिलेशन पॉसिबल इज वन बाय सिक्स, और वन बाय सिक्स पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ वन बाय सिक्स इंटू टू वन बाय थ्री प्लस tan inverse of 1 by 6 into 3 तो that is 1 by 2। अब हमें तो पता है ये चीज़, ऑलरेडी हमने ये दो लेक्चर पहले किया था कि इसकी वैल्यू होती है पाई बाय 4, तो दिस इज करेक्ट। ठीक, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, लेकिन माइनस वन पुट करेंगे उसके अंदर डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी। ठीक, उसके अंदर डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी, तो ये चीज जो पाई बाय 4 के बराबर हो रही है ये सिर्फ एक ही बार हो रही है, दैट इज x इक्वल टू 1 by 6। इस तरीके से इसके अंदर जो फाइनल आंसर आ रहे हैं उसके अंदर हमें रिजेक्ट करना एक बहुत जरूरी है, ये चीजें बहुत जरूरी। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। ठीक है, अच्छा, चलो आगे चल रहे हैं। ठीक, अच्छा, अगर
कॉम्पिटिटिव लेवल पे इस क्वेश्चन को देखा जाए, ठीक, कि क्या चीज जा सकती है क्या नहीं जा सकता, ठीक है। तो एग्जैक्ट सारे के सारे फॉर्मूलाज वगैरह लगा लगा के देखना हो तो इसको ऐसे देख सकते हैं, जहाँ पे बाकी फॉर्मूला भी हमने लगाने की कोशिश की है, तो वो आ जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स, देखो 2x plus tan इनवर्स 3x is equal to tan इनवर्स 1, ठीक है ये चीज। Now considering x and y to be positive, पहली बात तो यहीं पे मेरे को क्लियर है x and y नेगेटिव नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ये चीज नेगेटिव हुई दो नेगेटिव चीजों का आंसर पॉजिटिव नहीं आ सकता, ठीक, तो x and y are positive, पहले तो ये चीज क्लियर हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने ये चीज देखी कि ये फॉर्मूला होता है मेरा tan inverse of 2x plus 3x over 1 minus 2x into 3x, ठीक। ये चीज ये कब होती है, when याद है xy is less than 1, ठीक, when xy is less than 1, और xy क्या है इधर 2x and 3x, तो इधर आ जाएगा तुम्हारा 6x square is less than 1, अगर ये चीज है तो ही जाके ये फॉर्मूला हमारा वैलिड रहेगा, यानी कि इसका जो भी आंसर है वो इसको बिलोंग करना चाहिए, अदरवाइज ये वैलिड नहीं हो, ठीक। अब इसको सॉल्व करके हमारा आंसर क्या आ रहा था, दैट इज x इक्वल टू माइनस वन एंड वन बाय सिक्स, तो वन बाय सिक्स इसको बिलोंग करता है, ठीक, वन बाय सिक्स इधर पुट करके देख लो जी, वन बाय 36 इंटू सिक्स, वन बाय सिक्स लेस देन वन, तो वन बाय सिक्स इसको बिलोंग करता है, राइट, लेकिन माइनस वन इसको बिलोंग नहीं करता, इसलिए माइनस वन रिजेक्ट हो गया, वन बाय सिक्स एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा फॉर्मूला इसका क्या होता है कि टेन इनवर्स ऑफ ये आ जाएगा तुम्हारा कि अगर 6x square, यानी कि xy is greater than 1, अगर xy greater than 1 हो गया तो ये पूरी की पूरी चीज है तो पॉजिटिव, राइट, देखो ये चीज पॉजिटिव है, ये चीज पॉजिटिव है, लेकिन तब क्या होगा, पाई प्लस हो जाएगा, तो क्या आंसर आएगा तुम्हारा, पाई प्लस tan inverse of 2x plus 3x over 1 minus 2x into 3x, that is equal to pi by 4। अब देखो जब ये चीज इधर जाएगी तो ये बन जाएगा माइनस 3 पाई बाय 4, लेकिन tan inverse का आंसर कभी भी माइनस 3 पाई बाय 4 होता ही नहीं है, राइट, तो इसलिए ये चीज यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5, तो द ओनली आंसर पॉसिबल इज 1 बाय 6। इस तरीके से हम ये चीज बोल सकते हैं कि कॉम्पिटेटिव लेवल पे प्रॉपरली सॉल्व करना, यहाँ पे इस तरीके से हम प्रॉपरली इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, समझ आया ये चीज, प्लीज कंफर्म करो। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, आदित्य कल वाला लेक्चर लगाया भाई? यस सर। ठीक है, दिया आपने? यस सर। शुभम सर प्रेजेंट था। ओके, नहीं सॉरी, राजवीर। यस सर। ठीक, आदित्य भाई ये चीज क्लियर हो रही है ना? हाँ जी सर। ठीक है, दिया आपको? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आगे चल रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक, तुम्हारे ध्यान से देखना, क्वेश्चन है साइन इनवर्स ऑफ 8 बाय 17 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 3 बाय 5, दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 77 बाय 85 इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 77 बाय 36, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, ये प्रूव दैट वाले क्वेश्चन था, राइट, प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस जो है बड़ी सिंपल सी चीज है, एक समझने की कोशिश करना कि दो साइन इनवर्स का आंसर ये क्या क्या आता है, या तो ये आता है या तो पाई माइनस आएगा। अब यहाँ पे पाई माइनस आया नहीं, यानी कि ये स्टैंडर्ड हमारा जो डायरेक्ट फॉर्मूला है ये वही इंप्लीमेंट होगा, ठीक है। तो वही मैं तुम्हें पहले भी बताया था कि स्कूल लेवल के अंदर साइन इनवर्स वाले बाकी टेन इनवर्स को छोड़ के बाकी सबके सिर्फ एक एक फॉर्मूला ही इंप्लीमेंट होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। तो इसका डायरेक्ट हम इधर रूल लगाएंगे, तो डायरेक्ट रूल हमारा क्या आ जाएगा, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ 8 बाय 17 इनटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 3 बाय 5 का स्क्वायर, ठीक, एक सेकंड, हाँ जी, 3 बाय 5 का स्क्वायर और प्लस अंडर 3 बाय 5 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 8 बाय 17 का स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 8 बाय 17 इनटू ये बन जाएगा 4 बाय 5 प्लस 3 बाय 5 इंटू, और ये चीज क्या बन जाएगी तुम्हारी, दैट इज 15 बाय 17, ठीक, ये आ जाएगा।
अब यहाँ पे 5 को काटना मत, ये जो 5 है ये काटना मत, क्योंकि एलसीएम तुम्हारा सेम रहेगा, और दैट इज 17 into 5 दैट इज 18. साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, 8 फॉर द 32 प्लस 53 द 45 डिवाइडेड बाय 85, तो दैट इज नथिंग बट साइन इनवर्स ऑफ 77/85. ये तो जो चीज प्रूव करनी थी वो डायरेक्टली हो गई. अब इसको टैन इनवर्स में कन्वर्ट कैसे करना है, ट्रायंगल रूल से. तो ट्रायंगल रूल से क्या आएगा हमारा, ठीक, ध्यान से देखो, ये हमने ट्रायंगल बनाने की कोशिश की, तो इसके अंदर ये एंगल थीटा ले लिया, साइन इनवर्स है तो ये जाएगा 77/85. अब पाइथागोरस थ्योरम से तुम्हें ये वाली वैल्यू निकालनी पड़ेगी. अब ये वाली जो वैल्यू है ये निकालने के बाद तुम्हारी 36 आ जाएगी, ठीक, ऐसे. तो अब टैन इनवर्स का इसको यहाँ से टैन थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, 77/36, तो थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, टैन इनवर्स 77/36, ठीक, ये चीज आ गई, ठीक. ये दोनों तुम्हें, ये इसको थीटा लेके गए तो ये दोनों चीजें तुम्हारी बराबर होनी चाहिए, तो दैट इज व्हाई यू गेट साइन इनवर्स 77/85 दैट इज इक्वल टू टैन इनवर्स दैट इज 77/36, ठीक है. तो ये चीजें तुम्हारी बराबर होनी चाहिए, ठीक है. तो ये चीज, हाँ जी, क्लियर हुआ सबको, क्लियर हुआ, ठीक है. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई, ठीक है. अच्छा, स्कूल में हम शुरू से टैन में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, इनफैक्ट वो ज्यादा बढ़िया है. इसको भी टैन में करो, इसको भी टैन में कन्वर्ट करो, देन आगे चलो, ठीक है. तो इनफैक्ट उससे तो बेटर चीज कोई है ही नहीं, क्यों, क्योंकि उसे अगर इन केस अगर कोई एक्सेप्शन आ भी रही है तो वो टैन इनवर्स में तुम हैंडल कर लो स्कूल लेवल में, ठीक है ना. हाँ अच्छा, अब क्वेश्चन देखो जरा, ठीक. साइन इनवर्स थ्री बाय फाइव प्लस कॉस इनवर्स 12/13 दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65. प्रूव दैट करो जरा, क्वेश्चन करो, मैं लिख रहा हूँ, ठीक. ये कॉस इनवर्स है, ठीक, फर्स्ट सेकेंड, हाँ जी करो. एक नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, ये ध्यान से करना, वन ऑफ द स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. इफ कॉस इनवर्स एक्स बाय ए प्लस कॉस इनवर्स वाई बाय बी दैट इज इक्वल टू अल्फा, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई बाय ए बी कॉस अल्फा प्लस वाई स्केयर बाय बी स्केयर इज इक्वल टू साइन स्केयर अल्फा, ठीक. ट्राई करो, स्टार्टिंग स्टेप तुम्हें क्लियर होना चाहिए, ठीक. एक बार ट्राई करो फिर मैं करवा दूं, ठीक. तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमने सॉल्व किया, ठीक. अगेन क्या किया, सबसे पहले हमने कॉस इनवर्स का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक. फिर कॉस को उस तरफ ले गए, फिर अंडर रूट हटाने के लिए अंडर रूट वाली चीजों को एक तरफ कर दिया, स्केयरिंग कर दी, अपने आप मैनिपुलेट करके सारा सारा एक ही स्टेप में, ठीक. उसके बाद अच्छा, अब
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक, इसको ध्यान से सोच के करने की कोशिश करना। तो क्वेश्चन है कि इफ a1 a2 a3 सो अंटिल an आर इन एपी विद कॉमन डिफरेंस एज डी, देन प्रूव दैट टैन इनवर्स डी बाय 1 प्लस a1 a2 प्लस tan inverse d by 1 plus a2 a3 plus tan inverse d by 1 plus a3 a4 plus so on till tan inverse d by 1 plus an minus 1 an, that would be equal to tan inverse n minus 1 into d by 1 plus a1 an। देख ये चीज प्रूव करनी, थोड़ा सा सोचो कैसे अप्रोच कर सकते हो, मैं एक्सप्लेन करता हूं। पहले एक बार थोड़ा सा सोचो, एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक। तो देखो इसको करने का तरीका क्या है, दक्ष ने हिंट तो दे ही दिया था क्या कि ये जो पहला वाला है इसको लिखा tan इनवर्स a2 माइनस a1 बाय 1 प्लस a1 a2, ठीक, फिर tan इनवर्स इसको लिखा a3 माइनस a2 बाय 1 प्लस a2 a3 प्लस सोनटेल ऐसे ही tan इनवर्स ये जो चीज है इस t को लिखा मैंने an माइनस an माइनस 1 1 बाय 1 प्लस an माइनस 1 an। तो यहाँ पे डिफरेंस का फॉर्मूला लग जाएगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स a2 माइनस tan इनवर्स a1, फिर इसका आएगा tan इनवर्स a3 माइनस tan इनवर्स a2, ठीक, फिर अगले वाले का सोन टिल चलता जाएगा, याद आएगा tan इनवर्स an माइनस tan इनवर्स an माइनस 1, ठीक, इस तरीके से। तो क्या होगा, ये सारे के सारे कट जाएंगे, राइट, तो बचेगा मेरा tan इनवर्स an माइनस tan इनवर्स 1, तो दैट वुड बी योर tan इनवर्स an माइनस a1 ओवर 1 प्लस a1 an, और जो an होता है वो a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो ये इधर आके an माइनस a1 क्या आ गया n माइनस 1 d, ये चीज इधर पुट कर दी तो ये मेरा बन गया tan इनवर्स, तो ये चीज बन गई। तो इस तरीके से प्रूव, हाँ जी, क्लियर है सबको, छोटा सा ही था, ज्यादा बड़ा नहीं था, बट क्वाइट एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। तो बस पता होना चाहिए किस तरीके से करना, क्या करना, कैसे करना, ठीक, हाँ जी, अच्छा, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ हाँ जी, इफ cos inverse of x plus cos inverse of y plus cos inverse of z is equal to pi, prove that x square plus y square plus z square plus 2xyz that is equal to 1. Okay, try that. तो फर्स्ट वाला जो है, ठीक, तो उसको तो करने का तरीका क्या है कि इन दोनों पे फॉर्मूला लगा दिया, इसको इधर लेके गए, तो क्या बन जाएगा ये cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ z, cos इनवर्स को इधर लेके गए तो एक्स वाई माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर दैट इज cos ऑफ पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ z। अब cos पाई माइनस थीटा क्या होता है तुम्हारा, माइनस cos थीटा, तो माइनस cos ऑफ cos इनवर्स ऑफ z आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट माइनस z आ जाएगा। तो xy माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर इज माइनस z, ठीक। तो इन दोनों चीजों को हम इधर लेके गए, माइनस z को इधर लेके आए, तो ये बन जाएगा xy plus z दैट इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर, स्क्वेयरिंग कर दी तो x square y square plus z square
plus 2xyz, that is equal to 1 minus x square into 1 minus y square. That is 1 minus x square minus y square plus x square y square. तो x square y square कटा. ये दोनों negative terms को इधर ले आओ तो आपका बना x square plus y square plus z square plus 2xyz, that is equal to 1. हाँ जी. तो ना. देख तो first तो इस तरीके से होगा. First में किसी को कोई doubt है तो please बोलो. हाँ जी. First में किसी को कोई doubt है please बोलो. रहते clear हुआ भाई? दिया यस सर ओके ओके ठीक अच्छा नेक्स्ट नेक्स्ट इज सेकंड क्वेश्चन देखो जरा ठीक ध्यान से इस चीज को समझना क्या दे रखा हमें ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन जीरो कॉट इनवर्स एक ए बी प्लस वन by a minus b c minus a sorry एक c minus a अब ध्यान से देखो ये चीज b को इधर लेके आया तो ये a minus b का जाएगा पॉजिटिव c को इधर लेके आया तो b minus c का जाएगा पॉजिटिव a को इधर लेके आया तो c minus a क्या हो जाएगा नेगेटिव ये चीज क्लियर हुई कहने का मतलब ये है कि एबीसी देखो तीनों के तीनों पॉजिटिव है ए बी ग्रेटर देन जीरो है बी बी ग्रेटर देन जीरो है सी बी ग्रेटर देन जीरो है ए माइनस बी भी पॉजिटिव बी माइनस सी भी पॉजिटिव लेकिन सी माइनस ए नेगेटिव है कहने का मतलब ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है बट ये डिनोमिनेटर नेगेटिव है ठीक अब हमारा रूल क्या होता है मैं टेन इनवर्स के अकॉर्डिंगली बताता हूँ वन बाय एक्स इज हमारा कॉट इनवर्स ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड आगे रूल हमारा क्या होता है माइनस फाइव प्लस cot inverse of x when x is less than 0 इसके अंदर minus pi करना पड़ता है और मैं अगर ये वाली चीज देखूं ठीक तो cot inverse x के जाएगा तुम्हारा इधर आके pi add हो जाएगा tan inverse के अंदर तो pi plus tan inverse of 1 by x when x is less than 0 तो ये रूल लगेगा तो cot inverse में कन्वर्ट करने का तो इसको मैंने cot inverse में कन्वर्ट किया पॉजिटिव है तो as it is कन्वर्ट हो जाएगा reciprocal तो tan inverse a minus b by 1 plus ab plus second way tan inverse b minus c over 1 plus bc plus और लेकिन ये जब कन्वर्ट होगा ड्यू टू नेगेटिव आपका आएगा पाई प्लस तो पाई प्लस tan inverse ठीक आपका क्या जाएगा c minus k over 1 plus bc ये जाएगा एक पाई आएगा साथ में ठीक अब देखो ये चीज क्या बन गई मेरी tan inverse of a minus tan inverse of b ये चीज क्या जाएगी tan inverse of b minus tan inverse of c ठीक ये चीज क्या जाएगी tan inverse of c minus tan inverse of a plus pi ये वाला pi आ जाता है अब ये सब कट जाएगा तो क्या बचा हमारा आंसर pi ठीक जस्ट बिकॉज़ एक टर्म हमारी नेगेटिव आ रही है और नेगेटिव को हैंडल करने के लिए जो रेसिप्रोकल वाला रूल होता है राइट वो चीज हमारी लगेगी तो उसके कारण इधर तो माइनस पाई आता है लेकिन जब वो इधर जाएगा तो वो प्लस पाई होता है ठीक तो इसके कारण हमारा फाइनली पाई आंसर आ रहा है ठीक हाँ जी प्लीज कंफर्म करो किसी को डाउट है तो हाँ जी आदित्य क्लियर हुआ चिराग दक्ष दिया काव्या कृतिश यस सर क्लियर है ठीक है ठीक है तो यू नो स्कूल लेवल के जो क्वेश्चन हैं वो ऑलमोस्ट यू नो हमने किए हैं अभी डिस्कस ठीक है अब थोड़ा मिक्सचर टाइप ऑफ जो क्वेश्चन है उनको थोड़ा यू नो समझने की कोशिश करते हैं इस तरीके से करें तो हाँ जी क्वेश्चन है
फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ mod y is equal to cos x and y is equal to sin inverse of sin x for x belongs to 2 pi to 3 pi minus 2 pi to 3 pi close and open. Ek karo zara. ठीक है, अच्छा तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के जो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ रहे हैं वो आ रहे हैं 5. ठीक है, चलो वी डन फॉर द डे. ठीक, इसी के रिलेटेड तुम्हें होमवर्क मिलेगा. कल हम इसके जो डबल एंगल फॉर्मूला है, जो ट्रिपल एंगल फॉर्मूला है, उनको हम कंटिन्यू करेंगे. ठीक, एंड फिर अभी हमारी ज्यादा चीज बची नहीं है. डबल एंगल फॉर्मूला, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, कुछ सीरीज के क्वेश्चन है कॉम्पिटेटिव लेवल पे जो हमें करने हैं. ठीक है, बस ये चीज हमारी बची है, ज्यादा नहीं बचा. ठीक, अच्छा कल टेस्ट नहीं होगा, कल क्लास होगी तुम्हारी मॉर्निंग, मैंने पहले बता दिया. ठीक, ये मॉर्निंग हमारी क्लास रहेगी सेम टाइम, दैट इज 8:30 to 10 o'clock. ठीक है, सेम टाइम पे हम क्लास करेंगे. एंड टेस्ट जो है वो तुम्हारा ट्यूजडे हो जाएगा, ट्यूजडे भी टेस्ट कर... हाँ जी,